एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं गैस स्टेशन सिमुलेटर। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि अब हमने ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी है अपने एयरपोर्ट पे। यहाँ पे बंदे आते हैं अपना हेलीकॉप्टर वगैरह लेके, और उसके बाद उनका जो हेलीकॉप्टर है उसमें हम फ्यूल वगैरह भी भरते हैं, उनको रिपेयर भी करते हैं, और साथ ही साथ वो जो बंदे आते हैं ना, कस्टमर्स आते हैं, उनसे हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो ये वाला बंदा है, तो अभी अगर मैं इससे ट्रेडिंग करना चाहूँ ना, तो इसके पास देखो ये पायलट के प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इसके पास ये पड़ रखा है। उसके बाद ये है अपने प्रोडक्ट जिससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ये वो हो गया बार्टर सिस्टम, कि सामान के बदले सामान। तो अब मैं काम करता हूँ, इसे ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक ये इसके पास पड़ रखा है, सिंबल पार्ट वन एज टेक सिंबल पार्ट वन, ये बिल्डिंग ब्लू प्रिंट है, ये ले लूँ क्या? मुझे लग रहा है कि इससे ना कोई बिल्डिंग खुलेगी। मेरे पास एक ब्लू प्रिंट और है, तो मैं अभी एक काम करता हूँ ये कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये कर लिया, और बाकी अब इसी क्वान्टिटी भी मैं बढ़ा सकता हूँ क्या? नहीं, एक ही आ रहा है। अब मैं यहाँ से अपनी तरफ से क्या दूँ इसको? अरे भाई कुछ भी नहीं है, एक मिनट, ये सब जीरो है भाई, इससे मैं ट्रेड नहीं कर सकता क्या यार? मैं तो सोच रहा था इससे मैं ट्रेडिंग कर लूँगा, लेकिन अब देखो अपने पास कोई सामान है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। ना ही अपने पास वैम्पिंग है, ना ही कार व्हीलर, वॉश एंड वैक्स, चंकियो, डोनट, टोपी, कुछ भी नहीं है। टोपी निकाल दी हमारी, तो छोड़ो यार, डिनाय कर देते हैं इसको। कोई नहीं भाई, बाद में ट्रेडिंग करेंगे, फिर दोबारा आइयो तो अपने पास। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी अपना टास्क क्या, पहले ये देख लेते हैं। गैदर इनफ मनी एंड ब्लू प्रिंट टू बाय स्टोरेज लेवल वन। ठीक है, हमें एंड ब्लू प्रिंट्स भी इकट्ठे करने हैं टू बाय स्टोरेज लेवल वन। तो मुझे कोई स्टोरेज उसको अपग्रेड वगैरह करना होगा, ठीक है, ख़रीदना पड़ेगा। तो उसमें चल के देख लेते हैं हम अपग्रेड्स में, एयर स्ट्रिप स्टोरेज, स्टोरेज लेवल वन, ये रहा। तो इसके लिए मुझे दो ब्लू प्रिंट चाहिए, जिसमें से एक मेरे पास पड़ा है, और $1000 तो मेरे पास पड़े हैं। क्या क्या अनलॉक होगा? इन्वेंट्री कैपेसिटी बढ़ जाएगी 500 से, और एविएशन फ्यूल कैपेसिटी 600 बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट रिलोकेशन बिटवीन वेयर हाउस एंड एयर स्ट्रिप स्टोरेज। तो अब मुझे ना थोड़ा सा सामान ख़रीदना है, क्योंकि मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए ना सामान इतना पड़ा नहीं है। क्या कार व्हील वगैरह चंकियो था, और क्या था वो, एक वैम्पिंग था, टेडी बियर छोटा सा, तो वो सब मुझे अभी करना पड़ेगा। डेनिस कर दे इसने यार, एक तो मुझे अभी इसको ठीक करना पड़ेगा। ये पता नहीं कब आके यहाँ पे गंद फैला के चल जाता है, पता नहीं चलता इसका। कोई नहीं, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से हम पेंट कर देते हैं। ये देखने में अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि ये दुकान अपनी है भाई, डेनिस की थोड़ी है, ये अपनी दुकान है। तो फटाफट से इसको अभी मैं कर देता हूँ पूरा गो ग्रीन, जल्दी हो जाए भाई। चलो ये तो हो चुका है, और अब एक काम करा जाए, यहाँ पे भी इसने डिज़ाइन बना रखा है। चलो कोई नहीं, एक मिनट, अभी बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा मुझे काम करने दो। पहले काम करते भाई, बंदा कोई नहीं काम पे लग रखा है। एक मिनट भाई, ऐसा क्यों यार, फटाफट काम पे आओ, क्या हो गया तुमको? ये लो सैलरी सबकी। तो अपनी एमली को लगाते हैं हम क्लीन द स्टेशन। अपना जो जुआन है इसको हम लगा देते हैं हैंडल द रजिस्टर। एक मिनट, ये आई क्यों नहीं? अच्छा लगी नहीं शायद से। क्लीन द स्टेशन, ठीक है, क्लीन पे लगी, कैश रजिस्टर पे हो गया। अपने अंकल जी को हम बोलते हैं रिपेयर कार्स, और जो अपना जैन है ना इसको हम बोलेंगे फ्यूल कार्स। कहाँ गया फ्यूल कार्स? ठीक है, सबको हमने काम पे लगा दिया, और अब हम भी चलते हैं काम पे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सामान में मंगा लेता हूँ। तो चलते हैं डिलीवरी में, कार पार्ट्स में ना जो टायर्स हैं महंगे पड़ रहे हैं, मैं सिर्फ अभी 20 ही मंगाने वाला हूँ उसके, ठीक है, ज़्यादा नहीं भाई, 19-20 ये हो गए। स्क्रैच रिमूवर मंगा लेते हैं थोड़े से, इसके कितने 10 पीस मंगा लेते हैं स्क्रैच रिमूवर। कार मिरर्स मंगा लेते हैं, सब कुछ महंगा आ रहा है भाई, सब पे लाल बिंदी आ रखी है। तो डक टेप अपने पास पड़ी है, मंगाने की जरूरत नहीं है। इंजन ऑयल ये थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, इसके मैं मंगा लेता हूँ फिर। इसके कितने 15 पीस मंगा लेते हैं, नहीं 20 मंगा लेते हैं। बैटरी मंगा लेते हैं थोड़ी सी, बैटरी भी सस्ती बैटरी है, तो बैटरी के भी हम 20 पीस मंगा लेंगे, ठीक है। जिन पे ठीक चल रहा है ना उनके 20 पीस मंगा लेता हूँ मैं। स्पार्क प्लग ये भी ठीक चल रहा है, तो इसके भी मंगा लेते हैं 20 प्रोडक्ट्स, 19-20। कूलेंट और ये भी सस्ता है, $6 का एक पड़ रहा, तो इसका तो और मंगा लो, ठीक है। कितने पैसे, मेरे पास पैसे दिखा नहीं रहा, नहीं ये रहे, ठीक है, लगभग $4000 अपने पास में, तो इसके भी हम मंगा लेते हैं। इसके थोड़े ज़्यादा मंगा लेता हूँ मैं, 30 मंगा लेते हैं। कितना टोटल हुआ भाई? ये टोटल हो चुका है अपना भाई 5000। अभी कुछ ज़्यादा महंगा हो गया, एक मिनट थोड़ा सामान कम करो यार, कूलेंट की बोतल कम कर देते हैं। इसके हम कितने 20 मंगाते हैं, ठीक है। थोड़े टायर मुझे कम करने पड़ेंगे, टायर महंगे पड़ रहे हैं अपने को यार, 10 मंगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्क्रैच रिमूवर और क्या महंगा पड़ रहा है, बैटरी भी महंगी पड़ रही है, बैटरी भी फिर 10 ही मंगाते हैं, और ये सब ये भी 10 ही मंगा देते हैं। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा सामान हमें कम करना पड़ा, बाकी तो सब कुछ ठीक ही है, ठीक है, ऑर्डर कर देते हैं इसको, ठीक है। $351 अपने पास बचे। चलो कोई नहीं, अब हमने गैस स्टेशन ओपन करो यार, मेरे स्पीड में चल के गैस स्टेशन ओपन करो, तभी सोचो पैसे क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे।
ये ओपन नहीं हो रखा ना गैस स्टेशन, इसलिए पैसे इकट्ठे नहीं होते। बाकी न्यूज़पेपर मैंने मंगाया नहीं अभी यार, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा तभी जाके मैं न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ सामान मंगा पाऊंगा। अरे चल के वहाँ पे देख लेते हैं कि कोई बंदा आया है। एयर स्ट्रिप शहर से एक बंदा आ रखा है, वहाँ पे दिखा रहा ना, तो एक बंदा आ रखा है शहर से, वो आ रखा है। ठीक है, एक बंदा तो आ रखा है, पता नहीं इसमें ट्रेडिंग कर पाऊंगा या फिर नहीं। ये वही है क्या भैया, तुम तो वही लग रहे हो यार मुझे, ट्रेडिंग कुछ करोगे? ये फ्रूटी ले लेगा ये, तो इससे हम बिल्डिंग ब्लूप्रिंट लेते हैं, फ्रूटी दे देते हैं इसको। अब ट्रेड कर ले इससे। नो इट डजंट सूट मी। और चाहिए क्या भाई, ये ले थोड़ा सा और ले ले, चार ले। आई वोंट वेस्ट एनी मोर टाइम। अबे ये ले तू, काम हो। सॉरी उसी भाग गया यार, उसको मैं चार चार दे रहा था फ्रूटी, फिर भी भाग गया ये। इतना बढ़िया ब्लूप्रिंट दे रहा था मुझे वो। चलो कोई बात नहीं, अब कोई अगला आएगा ना तो उससे हम ट्रेडिंग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी पैसे मुझे इकट्ठे करने पड़ेंगे, $1,000 तो चलो हो जाएंगे थोड़ी देर में। बस मुझे वो ब्लूप्रिंट चाहिए यार, उसके लिए मुझे बस ये जो यात्रीगण आते हैं ना इनका वेट करना है। वो आ रहा है नहीं, वो शायद से एक एरोप्लेन नहीं, ये तो अभी वाला गया ना, ठीक है जा रहा है, घूम फिर के वापस ना आ जाए। चलो कहीं जब आएगा तब देख लेंगे, फिलहाल तो अपनी डिलीवरी आ चुकी है सामान की, तो पहले चल के ना हम जो अपना सामान है वो ले लेते हैं। और वो डायनासोर वाला पार्क मैं वहाँ पर जाके देखता हूँ, पिछली बार मैंने बोला लेकिन मैं जाना ही भूल गया, तो अभी मैं जाके वहाँ पे देखने वाला हूँ। फिलहाल तो अभी रात हो रही है यार, इसमें होना चाहिए डे को स्किप करने के लिए ना, होना चाहिए कि सुबह कर ले अभी एकदम से, ऐसे फिर रात में काम करने में मतलब मज़ा सा नहीं आता। और कस्टमर एट फ्यूल, फ्यूल पे लगा रखा है ना मैंने बंदा, हाँ फ्यूल पे एक बंदा तो लगा रखा है। तेल ख़त्म हो गया क्या भाई, मुझे देखना पड़ेगा फ्यूल कितना पड़ रहा है भाई। मैं एक काम करते हैं, इसे चेक कर लेते हैं, कहाँ गया अपना डिलीवरी, फ्यूल सप्लाई, अभी कितना फ्यूल पड़ रखा है अभी, अभी फ्यूल कम है यार, पैसे भी नहीं है ना, पैसे भी तो ख़त्म हो रखे तो फ्यूल कैसे आएगा। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाए ना तो मैं अभी थोड़ा सा फ्यूल ऑर्डर कर देता हूँ। देखिए काफ़ी कम फ्यूल पड़ रखा है, कार वॉश कस्टमर एट फ्यूल, अभी इतना तो फ्यूल पड़ा है कि उसको दे सकता है भाई, तू फटाफट देना उसको फ्यूल। एयर स्ट्रिप एयर नहीं, वहाँ पर कोई भी नहीं आया अभी तक। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। बाकी कस्टमर एट कार वॉश, कार वॉश ऑटोमेटिक पे सेट है, ठीक है ऑटोमेटिक पे सेट हो रखा है, लेकिन मुझे यार न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर तो है नहीं यार। साफ़ सफाई वाले पता नहीं क्या करते हैं भाई, पता नहीं कहाँ भाग गया। देखो एक गंद छोड़ के चल जाएंगे, यानी कि सब कुछ साफ़ कर दूँ यहाँ पे। एक मिनट रुकना, ये हम ये जो कचरा है ना मैं उठा ही लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी देखो ये पट रखा है रैपर वगैरह, इसको भी उठा लेते हैं। और कहीं है क्या यहाँ पे भी है, पता नहीं साफ़ सफाई के लिए मैंने किस लिए लगा रखा है उसको। मैं तो सोच रहा हूँ निकाल ही दूँ भाई, मैं खुद ही साफ़ सफाई कर लूँगा। देखो इसको भी साफ़ कर देते हैं, यहाँ पे भी देखे थे मैंने एक दो पैरों के निशान, देखो ये रहे, इसको भी करो साफ। आइसक्रीम मेरे पास पड़ी होगी यार, आइसक्रीम मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी है यार, ये मैं थोड़ी सी रखता हूँ ट्रेडिंग के लिए ना, थोड़ी सी अपने पास आइसक्रीम रखते हैं। पेस्ट्रीज मंगानी पड़ेगी अभी मुझे, क्या चाहिए मैडम? डोनट तो है ही नहीं यार, डोनट तो मेरे पास एक भी नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे जो ग्लासेस है वो प्लेस कर देता हूँ, अपने पास विंटेज ग्लासेस है ये भी प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ग्लासेस बहुत पड़े हैं भाई, तो काफ़ी सारे ग्लासेस पड़ रखे हैं, लेकिन $650 हो गया अपने पास में। चलो ठीक है, बाकी रात में नहीं आते शायद से बंदे भाई, मुझे लग रहा है कि रात में ना वहाँ पे एयर स्ट्रिप पे बंदे आते नहीं हैं। चलो अबे यार ये गड्डी अटक रखी है यहाँ पे, इसको सही करना पड़ेगा। अभी मुझे वो लेके आनी पड़ेगी अपनी जो गड्डी है ना अपनी छोटी वाली, वो मुझे लेके आनी पड़ेगी, वो पता नहीं कहाँ पे खड़ी कर रखी है मैंने। वैसे वो शायद से अपने वेयर हाउस के आसपास होती है, लेकिन है नहीं। एक मिनट मैं इसको बुला सकता हूँ यहाँ पे, इसको हम बुला लेते हैं। देखो ये आ गई अपने पास में, अब इसको लेके चलते हैं। और अब फटाफट से वहाँ पे जो सैंड पॉइल्स इकट्ठी हो रखी है ना उसको मुझे वहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बंदे अटक जाते हैं ना, तो फिर उनको भाई झाड़ू मार मार के भगाना पड़ता है वहाँ से। अचीवमेंट अनलॉक्ड, ये तो भाई अचीवमेंट दोबारा मिल रही है मुझे। अभी भैया जल्दी चलो, स्लो चला रहा भाई, इससे तेज तो मेरा बुलडोजर ही चल रहा है। कहाँ पर थी वो सैंड पॉइल, यहाँ पर तो नहीं है ना? नहीं यहाँ पर तो एक भी नहीं है, एक ही थी शायद से वहाँ, वहाँ पे एक ही है, तो उसको उठा के। स्पीड क्यों नहीं पकड़ रही भाई, तेज चल। हाँ अब ठीक है, एक बार थोड़ा सा पीछे करते हैं सबसे पहले इसको। और एक बंदा आ चुका है स्ट्रिप पे यार, रात में आते हैं बंदे, मुझे लगा नहीं आते लेकिन आते हैं। चलो इसको उठा लेते हैं और इसको लेके चलते हैं हम, इसको ना वहीं पर फेंक देते हैं, वहाँ पर जगह बंद तो रखे लेकिन। हाँ ठीक है वहाँ पर जगह है, मुझे लगा वो जो डेकोरेशन का पार्ट ना वो यहाँ पे ना कर दियो, लेकिन उसके लिए अलग ही है वो। इसको यहीं पर फेंक देते हैं और अब यहाँ से उतर के ना सबसे पहले जाता हूँ वहाँ पे, नहीं तो वो बंदा चल जाएगा यार। मुझे उससे वो करनी है, ट्रेडिंग करनी है, मुझे एक ब्लू प्लेट लेना है
1024, ठीक है, $1,000 अपने पास हो चुके हैं। नाइस, बस ये जो अपने पास सामान पड़ रखा है ना उन्हीं से ट्रेडिंग करें, कुछ और सामान अगर इसको चाहिए होगा फिर मैं इसे ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा। अब ये काम करता है फटाफट से, ये कोई दूसरा ब्लू प्रिंट है, इगुआना प्लुशी होल्ड ट्रेड, इससे क्या कुछ खरीदे क्या, एक टेडी बियर के बदले कुछ ना कुछ तो दे ही देगा ये। चलो मैं एक काम करता हूँ, इससे हम खरीद लेते हैं, ये क्या है, कैफे 40 ब्राजीलियन कैफे 40, ये ले ले क्या, एक 10 दे रहा है ये, इसके बदले तू ये ले टेडी बियर, एक ट्रेड करेगा भाई, क्लोज 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 बट नॉट इनफ, और ये ले तू काम हो जा, शांति बिल्कुल शांति रख, क्लोज क्लोज बट नॉट इनफ, यार अभी भी नहीं जा रही है तू, हमें पास सामान नहीं है तू भाग जा, वाम्स 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 वाम्स, अबे तू भाग से यहाँ से जल्दी, ये नहीं जाएगा, मैंने होल्ड कर दिया ना ट्रेड, रुको यार मैं डिक्लाइन ही कर सकता हूँ, जा यार, हाँ तो घर जा भाई। चलो भाई अभी एक और यात्री अपने एयर स्ट्रिप पे आ चुका है और अब इससे देखते हैं कि हम ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर नहीं, बस ट्रेडिंग कर ले यार मुझसे ना, मुझे एक ब्लू प्रिंट दे दे, कैन वी मेक अ डील, यस क्यों नहीं, ब्लू प्रिंट लाओ और इसके बदले तुम ले लो मुझसे कार बैटरी ले ले, बहुत बढ़िया कार बैटरी तू ले ही ले, इससे ना तू थोड़े से ज़्यादा देता हूँ पहले ही मैं, अब बहुत बढ़िया भाई, एक मुझे मिल गया, मुझे एक जो ब्लू प्रिंट है वो मिल चुका है और पार्टी इज़ ओवर, ये तो पार्टी पता नहीं अपने आप ही करके अपने आप ही चल जाते हैं, इनका अलग ही सिस्टम हो रखा है भाई, वहाँ पर मैंने सामान ही नहीं रख रखा है, सामान मुझे रखना पड़ेगा, गलती मेरी है, मैं उनको बोल रहा हूँ गलती मेरी है, मैंने उन बास्केट्स में सामान रखा ही नहीं है, तो उनके लिए पहले मुझे जाके देखना पड़ेगा क्या क्या सामान वहाँ पर रखना है, फिर वो मुझे अभी ऑर्डर करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं अभी फटाफट से कहाँ गया वो अपग्रेड्स में जाके, पार्टी नहीं ये स्टोरेज, तो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है, $1,000 और 2 ब्लू प्रिंट, चलो भाई लगा दो इसको, लगा दो कोई नहीं, पैसे अपने पास हो रखे काफ़ी, ठीक है, तो अपनी जो स्टोरेज है वो अपग्रेड हो चुकी है और अब मुझे क्या करना है, मूव रैंडम ऑब्जेक्ट टू द न्यू एयरपोर्ट स्टोरेज, कोई भी कुछ भी ला सकते हैं क्या हम इधर, कुछ भी मतलब कुछ भी ना, कोई सामान सुमान ऐड नहीं यार, ऑब्जेक्ट बोला ना तो कोई मुझे कुछ और लेके आना पड़ेगा, ये बाल्टी बुल्टी यहाँ से उठा सकता हूँ क्या मैं, नहीं यहीं पे रहेगी, कोई कचरा, ये क्या चीज़ है, ये तो कचरा ही है, इसको जाके कचरे के डब्बे में फेंको ना, ये काम करते हैं इसको हम फेंक देते हैं इसके अंदर, अरे डंपस्टर पूरा भर रखा है, ये गड्डी आ रखी है ना इसके ऊपर, ये गड्डी इधर उधर उठा के हम फेंक भी नहीं सकते ना, मैं काम करता हूँ मैं सबसे पहले जाके ना कोई लेके आता हूँ, प्रेस टैब एंड सेलेक्ट द बैकपैक, एक मिनट इन्वेंट्री में से भी डाल सकता हूँ मैं, ठीक है मुझे फिर जाने की ज़रूरत नहीं है ना, तो अब एक काम करते हैं कैसे करना है, टैब एंड सेलेक्ट द बैकपैक आइकन टू ओपन इन्वेंट्री, देन मूव सेलेक्ट मूव टू ऑप्शन व्हेन पॉइंटिंग, ओके तो सबसे पहले हमें जाना है अपने नहीं बैकपैक ओपन करना ना, ये क्या ओपन कर दिया मैंने, इसको एग्जिट करो, अपना जो बैकपैक है ये रहा और एयरपोर्ट स्टोरेज ये रहा, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे एक मिनट को, कार पार्ट्स प्रोडक्ट्स ब्लूप्रिंट कार पार्ट्स कॉस्मेटिक पार्ट्स, भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, शेल्फ्स में देख लेते हैं, बिग शेल्फ्स स्मॉल शेल्फ्स डेकोरेशन, भाई कुछ तो है नहीं यार, ये क्या है मैजिक स्क्रॉल, मैं इसमें वो मूव कैसे करूं, वेट एक सेकंड, अच्छा ठीक है यहाँ से मैं इसको वो मूव कर सकता हूँ, मूव टू वेयर हाउस, वेट अभी नहीं रुक जाओ, डिस्कार्ड करो इसको, सबसे पहले कोई सामान उठाओ ना, ब्लू प्रिंट जैसे कि अपने पास ये पट रखा, तो इसको मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है मूव टू वेयर हाउस, हो गया वो तो गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको, प्रोडक्ट्स में यार अपने पास टॉयस वगैरह ये कुछ दिखा क्यों नहीं रहा इसमें हाउस में, अच्छा यहाँ से मैं शैसे कर सकता हूँ, रुको, ये देखो अपने पास ये सामान पट रखा है ना, तो अभी मैं काम करता हूँ ये, इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है हो गया, इतना आसान था भाई मैं बिना फालतू में इधर उधर जा रहा था, ठीक है ये तो हमने कर दिया, बाय अ स्पेसिफिक स्पेशल शेल्फ फॉर प्रीमियम सॉफ्ट ड्रिंक्स यूजिंग योर पीसी, ठीक है स्पेशल शेल्फ हमने खरीदना है, तो हम चलते हैं यहाँ पे और उसके बाद डेकोरेशन नहीं फीचर्स में होगा शायद शेल्फ्स ये रहे ना, तो प्रीमियम ड्रिंक्स ये रहा बिग प्रीमियम ड्रिंक स्टैंड और ये है स्मॉल प्रीमियम, तो ये 312 अबे यार वो डेनिस आ चुका है, कोई नहीं मैं अभी काम करता हूँ इसको बाय कर लेता हूँ, ठीक है मैंने इसको बाय कर लिया और सबसे पहले जाके डेनिस की पिटाई करनी पड़ेगी, भाई सुबह हुई नहीं और वो इतनी जल्दी, नहीं सुबह होगी है और वो आ चुका है,
रुको यार, उसका बैंड बजाना पड़ेगा मुझे, कोई कचरा का डब्बा डुब्बा कुछ तो उठाना पड़ेगा यहाँ पे, जिसके फेंक के मैं मार सकूँ। वो आ चुका है यार, वो आ गया था उसको भाई, आ गया ये रहा चापलूसी, ये खा भाग यहाँ से, ये ले मुंह पे, भाग यहाँ से, इसको यहीं रखो यार, ये कचरे को यहीं पे रखो, ठीक है, ये बार बार आएगा गंद फैला के चल जाएगा। ये लोग कर दिया दोबारा काम इसने, अभी दोबारा मुझे इसको ठीक, एक मिनट ये वाला कलर चाहिए ना, फटाफट सब इसको ठीक करते हैं। कितने देर में आएगा बंदा ये? अरे यार अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है, 3 मिनट, फिर 9 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 21, 6 मिनट का गैप लेके आ रहे हैं सारे। चलो कोई चक्कर नहीं, आने दो इनको, आने दो भाई, अब कोई ना कोई तो ट्रेड तो करेगा। ये क्या है, शेफन्स लाइट, एक मिनट, शायद से आइटम ऑफ पायलट, आइटम ऑफ प्लेयर, अच्छा इसके बदले मैं ये ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये तो पड़ा ही है शेफन्स लाइट, इसके बदले क्या देगा ये बिग, अबे ये क्या चाहिए, फुल पत्ती नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए कॉफ़ी कोलंबिया है ना इसमें प्रीमियम, हाँ देखो कोलंबियन कॉफ़ी है की, तो मैं ये इससे खरीद सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 8-9 मिनट वेट करना पड़ेगा। वाह भाई 9 मिनट तक तुम वेट कराओगे, 9 मिनट तक मैं क्या करूँ, बैठे रहो बस यहाँ पे खड़े रहो, जो बंदा आएगा ना बस उससे हम ट्रेड करेंगे, अभी तो मैं ऐसे बैठने वाला हूँ यहाँ पे 9 मिनट, अपना गैस स्टेशन जो चल ही रहा है। बंदे कहाँ पे लगे हैं भाई, बंदे भी तो कहाँ पे लगाने, सारे के सारे जा चुके हैं रेस्ट करने के लिए, कितने 472 लो भैया। यार एक तो ये ना काम ढंग से कर नहीं रही है, मैं सोच रही हूँ इसको निकाल लूँ भाई, तू भाग जाए ऐसे यार, तू जा अपने घर जा, तेरे से नहीं होएगा, मैं काम करता हूँ कोई दूसरा हायर कर लेते हैं एम्प्लॉय, हम इसको हेल्प कर ले, हायर कर ले क्या सिल्विया, आ जा तू, तू आ जा, तू भी खुश हो जा, और इसको मैं काम पे लगाने वाला हूँ, इसको लगाएंगे हम, और इसका ज़्यादा कर पहले इसके स्टैट्स देख लेता हूँ कि अच्छा काम कौन सा कर सकती है। एक मिनट और, क्लीनिंग, क्लीनिंग लेवल 5 है तो ये ठीक है, क्लीनिंग हम करवाते हैं इससे, साफ सफाई काम इसी को दे देते हैं, क्लीन द स्टेशन, और बाकी अपना जो सैम्यूल है इसको हम दे देंगे फ्यूल कार्स, जो अपना हीरो की है इसको हम बोलते हैं रिपेयर कार्स, और अपने अंकल जी को ना, चलो अंकल जी को थोड़ा रेस्ट करने दो, इसकी मैं पेमेंट तो मैंने कर दी है, इसको हम बोलते हैं हैंडल द रजिस्टर, ठीक है भाई, सबको हमने एक एक काम पे लगा दिया। ये नहीं लगी क्या, हाँ लग चुकी है, क्लीनिंग, फ्यूलिंग, रिपेयरिंग और कैश रजिस्टर, ठीक है, आइसक्रीम वाला, ठीक है आइसक्रीम वाला भी मैं वो कर लेता हूँ, अंकल जी को आइसक्रीम वाले पे लगा देते, नहीं यार इसको लगा देते हैं, ठीक है चलो भाई तू जाके ना मेक आइसक्रीम, जाके आइसक्रीम बनाओ, आइसक्रीम उसमें पड़ी है ना, मैंने पिछली बार खरीदी थी, एक मिनट, कहीं उसमें फिल तो नहीं करनी पड़ती या फिर अपने आप ही हो जाती है, चल के देख लेते हैं, वैसे भी अपना जो आइसक्रीम वाला ये है ना स्टैंड, वो तो यही रहा, इसमें देख लेते हैं कि आइसक्रीम है क्या, भरी पड़ी है शायद से, एक मिनट दिख तो नहीं यार, खाली है ये, अबे एक सेकंड, सबसे पहले मैं इसको किस बंदे को मैंने यहाँ पर लगाया, आइसक्रीम स्टैंड में ना रुको, इसको पहले बोलता हूँ गो ऑन अ ब्रेक, जा भाई तू रेस्ट कर, तब तक मैं ये देखता हूँ, ये ऑप्शन कैसा आ रहा है, हाँ ठीक है ये कर दिया मैंने, और अब इसमें मैं आइसक्रीम कैसे डालूँ, ठीक है ऐसे करके, ओके ऐसे करके जितने भी ये पड़े हैं ना इन सब में मैं फटाफट से आइसक्रीम भर देता हूँ, लो भैया ये भी हो गया, हमें खुद भरना पड़ता है, ठीक है भाई मैं तो भूल ही गया था, सही मैं भूल गया था कि इस आइसक्रीम में खुद भरनी पड़ती है, ठीक है चलो हमने आइसक्रीम को डाल दिए, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है सब कुछ फुल हो चुका है, कहाँ जाम लग गया भाई, क्या करते हो तुम, अरे क्या कर रहे हो भाई यार, तुम्हें कुछ अक्कल वक्कल है, उधर चल और तू उधर चल, तू यार एक काम कर, तू उड़ी जा, तू भाग यहाँ से, तू घर जा अपने, तू भी निकल, तू कहाँ लेट रखा है, एक मिनट सीधा हो, तू सीधा होगा, ठीक है अब ठीक है ना, कोई आ तो नहीं ना बीच में, देखो ये वापस आ गई, वापस कैसे गी? वापस जा, बड़ी आसमान की वादियों में सैर करके आ गए, चलो अब एक काम करा जाए, इस ट्रिप पे एक बंदा और आ चुका है, लेकिन यार ये वाला बंदा दूसरा है ना, ये हमें वो नहीं देगा, क्या कहते हैं वो जो सामान था ना, ये जो दे रखा है इसमें ब्राज़ीलियन और कोलंबियन कॉफ़ी, तो इसमें से कोई नहीं देगा हमें, अभी कितना 3 मिनट ये इसका हो गया होगा, 6 मिनट अभी मैं और वेट करना है, कोई चक्कर नहीं 6 मिनट हम और वेट कर लेते हैं, तब तक इससे मैं सोच रहा हूँ ब्लू प्रिंट में ले ही लूँ, ब्लू प्रिंट से क्या पता कोई और अपना जो चीज़ है हमें वो करनी पड़े अपग्रेड, तो वो अपने काम आ जाएगी, तो अभी इससे हम देखते कि अब ट्रेड क्या कर पाएंगे,
ट्रेड नहीं करनी क्या तूने? हाँ कर तो ये ट्रेड। तो इसके पास देखो ये सब सामान पड़ रखा है, हॉट स्टफ। इस पे क्या डिस्काउंट दे रही है? ये ले लेगा भाई, शरफोन स्लाइट ले लेगी ये। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, होल्ड ट्रेड, होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर। तो जो अपना वो वाला बंदा है ना जो हमें वो देगा कोलम्बियन, ये क्या लेगा अपने से? ये अपने से ये लेगा नरंजना, नरंजना। तो मेरे पास नरंजना पड़ा है क्या? देखना पड़ेगा, लेकिन चलो मैं इससे तो ट्रेड कर ही सकता हूँ, इससे हम ट्रेड कर लेते हैं। तो मुझे ब्लू प्रिंट भाई, बिल्डिंग ब्लू प्रिंट भी है इसके पास में, तो ये ले लेंगे ना। तो इससे हम ट्रेड करते हैं, वेरी लो, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अभी भी नहीं है, अब लो है अभी भी। ले तू पूरा ले, मीडियम तू शांति रख, ये ले और ट्रेड कर। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, इससे ट्रेड अपनी हो चुकी है। और अब वो मुझे देखना है शेरफोन, नहीं सॉरी नरंजना, नरंजना भाई और नारंगी सी है वो। इसमें देख लेते ना सॉफ्ट ड्रिंक्स में, तो वो अपने पास नहीं है, मंगानी पड़ेगी भाई। शुक्र है मैंने देख लिया, नहीं तो ट्रेडिंग टाइम पे फिर तो गड़बड़ हो सकती थी। तो हम मंगा लेते हैं, चलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में। ये रही नरंजना, एक इसकी बॉटल और एंटीबायोटिक टॉनिक, सुकीजी ट्रॉपिकाला, सबके एक एक मंगा लेता हूँ मैं। लो, और उसके बाद थोड़े से हम ये भी मंगा लेते हैं यार, जो पेस्ट्रीज है ना ये भी मंगा लेते हैं, क्योंकि पेस्ट्रीज सारी खत्म हो चुकी है। तो ये भी हम कर देते हैं ऑर्डर, ये हो गया। और कुछ मंगाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि अपने पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, 512 लो भैया, पार्टी पास आ चुकी है भाई, बहुत बढ़िया। आप थोड़ी सी अपनी सेल बढ़ जाएगी, ठीक है, आप थोड़ा सा पैसा अपने को और मिल जाएगा। लेकिन क्लीनिंग वाली लग रखी ना काम पे, हाँ बहुत बढ़िया है काम पे तो वो लग रखी, क्योंकि ये जब आते हैं ना बंदे तो भाई काफ़ी ज़्यादा गंद हो जाता है, तो इसीलिए ना मुझे भी जाना पड़ेगा वहाँ पे अभी। ठीक है, एक बंदा संभाल नहीं पाएगा, और वैसे भी वो नई नई है ना, तो इतना वो कर नहीं पाएगी, तो मुझे जाके उसकी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ये क्या लेके जा रहा सर पे? ठीक है, क्या इसके है क्या ये? पता नहीं भाई, क्या अजीबी सा ये आ रखा है। ये एक और है अभी, क्या क्या लेके आ रहा है अपने सर पे? है क्या? टोपी तो लगी नहीं थी मुझे किसी तरह की, लग रखा भाई इनके सर में फट्टी लगा रखी है। चलो कोई नहीं, अपने क्या करना है, ये अपने को तो सेल करनी है ना अपना सामान। ये देखो कबाड़ भरना स्टार्ट हो चुका है ना, तो मुझे फटाफट से इनको निकालना पड़ेगा। इनको निकाल निकाल के अभी मैं यहीं पर रख देता हूँ। ठीक है, डेनिस के मुँह पर मारेंगे ये। चलो भाई, जिसका हमें इंतजार था आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है, और वो बंदा भी आ चुका है। देखो ये आ चुका है अपना हेलीकॉप्टर, और अब इससे हम ट्रेडिंग करके अपना जो ये वाला टास्क है वो भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। भाई इस वाले अपडेट में काफ़ी सारे टास्क मिल रहे हैं यार, काफ़ी सारे। इतने में तो हम दो तीन अपडेट ख़त्म कर देते थे, लेकिन इसमें देखो अभी तक हमें हम ख़त्म नहीं कर पाए हैं। यस ब्रदर, आई नीड, मुझे ये दे दे कॉफ़ी कोलम्बिया, इस पर दे रहा है डिस्काउंट। तो अभी इससे हमें काम करते हैं, इसके बदले हम नरंजना देंगे इसको। हाई, अब कर लेगा ट्रेड, कीप ट्राइंग, मेबी यू कैन कन्विंस मी। ट्रेड वेरी हाई, अब दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट योर कंट्री, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्लेस द न्यू प्रीमियम सॉफ्ट ड्रिंक्स शेल्फ्स इनसाइड द गैस स्टेशन में प्लेस करनी है। ठीक है, ये भाई मुझे लग रहा है महंगी बिकने वाली है, ये तगड़े बिकेगी, क्योंकि ये इस वाली कंट्री में नहीं मिलती, ये दूसरी कंट्री में मिलती है, और ये बंदा अपने लिए लेके आया था, तो ये अपने को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट करा सकता है। ठीक है, चल के ना इसको, ये कहाँ पे आएगा ये कॉफ़ी? तो ये कहाँ रखेंगे हम, इसमें रख सकता हूँ क्या मैं? देख लेते हैं, नहीं इसमें नहीं आएगा। इसका स्टैंड कहाँ है? ये कहाँ आएगा फिर? यहाँ पे इसके अंदर एयरपोर्ट स्टोरेज वेयरहाउस। एक सेकंड, ये किस में रखूँगा फिर मैं? इसमें से एयरपोर्ट स्टोरेज में नहीं यार, ये इसमें नहीं रख पाएंगे हम, इसके लिए मुझे लग रहा है कि दूसरे शेल्फ चाहिए। वेट, इसको मैं पहले देखता हूँ। अबे मैंने ख़रीदा तो था शेल्फ, एक सेकंड, अच्छा उस पर रखना है। ठीक है ठीक है, तो शेल्फ्स कहाँ गए अपने? प्रीमियम सॉफ्ट ड्रिंक्स, हाँ ये रहा ना, तो इसको निकालते हैं और इसको हम यहीं पर रख देते हैं ना। एक सेकंड, इसको मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, पहले यहाँ से इनको हटाते हैं। इसको मैं अभी के लिए ना यहाँ पर रख सकता हूँ, बाद में यहाँ से हटा देंगे। इसको भी यहाँ से साइड करो। चलो, और अब यहाँ पे जो अपना वो वाला शेल्फ है ना, कहाँ गया? प्रीमियम वाला, तो इसको हम रख देंगे इसके साइड में, थोड़ा सा और साइड में, यहाँ पे सीधा बिल्कुल करके। एक सेकंड, थोड़ा सा और सीधा हो जाए, इतना
यहाँ पे ठीक है। और अब इसमें जो सामान है वो हम रख देते हैं, कहाँ गया अपना प्रीमियम एयरपोर्ट स्टोरेज, ये लो भाई कोलंबिया, कोलंबिया ना कोलंबिया, कोलंबिया कह रहा हूँ। प्लेस ऑन, लो भाई सीट ऑन द बेंच एंड एंजॉय योर सेल्फ विथ सम बियर, बस मे बी नाउ यू बी एबल टू फिनिश इट, बस इतना ही था। ठीक है, मैं अभी अपडेट की बात कर रहा था और लगता है अपडेट खत्म हो चुका है अपना, इतना ही था इस अपडेट में। चलो कोई बात नहीं, अब जाके वो जो बेंच था ना जिसमें हम स्टार्टिंग में बैठे थे यहाँ वाला, इस पर हमने दोबारा बैठना है। चलो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है भाई, मुझे तो लग रहा है कि अपना काम खत्म हो चुका है, बट देखते हैं क्या पता हमें और कोई दूसरा काम भी मिल सकता है। ये निकाली बॉटल और ये गटागट सीधा अपने गर्दन से नीचे अपने पेट में। ग्रेट वेदर एडिंग बॉटल, ये आ रहा क्या? Now that I can honest with you, years ago I met someone very similar to here. हो गया? बस इतना ही था शायद से अपडेट में, हमने अपडेट खत्म कर दिया भाई। अब क्या करना है, अब तो बस वही अपना जो काम है गैस स्टेशन चलाओ, और अब हम वो भी चलाते रहेंगे साथ में। ओ बे ए भाई साहब, क्या बात है यार, इधर कैसे चमक रहे हैं रेंडियर्स, रेंडियर्स कहते हैं ना इनको, पता नहीं क्या कहते हैं, डियर्स जो भी है, लेकिन मस्त लग रहे हैं भाई ये, यानी कि आर पर, एक मिनट, ये आर पर नहीं हो सकता, मुझे लग रहा है यार ये सुबह तो दिखते नहीं, रात में दिखते हैं खाली ये। चलो कोई बात नहीं, हमने अपडेट तो खत्म कर दिया है। तो ठीक है गाइस, आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पर खत्म करता है। अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा फटाफट से जाके फॉलो कर लो, और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।